चलो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग दो, फंडामेंटल कंडीशन फॉर एनी ऑपरेटर। फंडामेंटल कंडीशन फॉर एनी ऑपरेटर टी कैप टू बी सिमेट्रिक ऑपरेटर। देखो किस फंडामेंटल कंडीशन से कोई भी ऑपरेटर जो है ना वो सिमेट्रिक ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं वो कंडीशन। यहाँ पर लिखना लेट टी केप इज अ ऑपरेटर, टी केप इज एन ऑपरेटर विच इज ऑपरेटिंग ऑन एन इनिशियल स्टेट साइन एंड ट्रांसफर दिस स्टेट एंड ट्रांसफर इट इनटू एंड ट्रांसफर इट इनटू न्यू स्टेट साई प्राइम। मान लो एक ऑपरेटर टी के पे जो इनिशियली साई पर ऑपरेट हो रहा है और उसको ट्रांसफर किस में कर रहा है, साइन प्राइम में कर रहा है। तो ऐसे ही मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो एक टी कैप ऑपरेटर है, इसको मैंने साइन पर साइन पर किया जो टी वन टाइम पर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइम टी वन में। इक्वेशन नंबर एक। ऐसे ही तुम्हारे पास टी प्राइम है, अगर ये टी टू में हुआ तो ये किस में हो गया, टी टू में हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना, इन टू डिफरेंट फ्रेम।
इन टू डिफरेंट फ्रेम। देखो मान लो अगर मैं एस फ्रेम की बात बताऊं, सो इन एस फ्रेम मतलब अनप्राइम फ्रेम बोलते हैं, अनप्राइम मतलब कि स्टेबल फ्रेम जहां पर कोई चेंजेस ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नॉर्मली यूजिंग करते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, लो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में है ना। तो लो रेंज में क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी एस फ्रेम में है तो उसको एस डैश में चेंज कर सकते हैं, और अगर एस डैश में है तो एस में चेंज कर सकते हैं इनवर्स लो रेंज में। तो ऐसे ही मैंने मान लो एस फ्रेम की बात करी है, तो एस फ्रेम के लिए सपोज ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ मैं, ये यूनिटरी ऑपरेटर है जो टी वन टाइम को चेंज करता है टी टू टाइम में। ये तो आपको मैंने पहले समझाई दिया कैसे करता है। अगर मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ देखूँ, एस प्राइम फ्रेम में जो वी वेलोसिटी से मूव करती है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी में एस फ्रेम और एस स्टेज फ्रेम। तो ये प्राइम कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। अब इक्वेशन वन से वैल्यू जो है आप इक्वेशन फोर में पुट कर दो। वन में देख लो आप साई वन प्राइम की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, कर दोगे? मैंने अंडरलाइन लगा दी व्हाइट कलर में, तो आपको समझ में जाएगा कहाँ से वैल्यू कहाँ पुट करनी है। तो वन से वैल्यू फोर में पुट कर दो, करना क्या है आपको, इसमें टी के ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है इन इक्वेशन थ्री। सो ऑपरेटिंग टी के कराओ, यहां पर टी के आ जाएगा, यू केप जो है वो टी टू टी वन पर डिपेंड करता है ना। तो वो चीज लिखनी पड़ेगी बार बार, यहां पर भी टी केप ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स सॉरी फ्रॉम इक्वेशन टू, अब मैं टू से वैल्यू पुट करता हूँ। देखो टू में क्या है, ये देखो अंडरलाइन करता हूँ मैं, ये वाली चीज देखो, इसकी वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ। क्लियर? सो फ्रॉम इक्वेशन टू, तो यहां से मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, टी कैप यू कैप। मैं ना यू कैप को इन शॉर्ट लिख रहा हूँ यू कैप, टी टू टी वन पर डिपेंडेंसी बाद में एक साथ लिख दूंगा, अभी मत लिखो। और टी कैप साइन टी टू का वैल्यू कितना है, टू से साइन प्राइम टी टू। अब आप कंपेयर करो इक्वेशन फाइव और सिक्स को, देखना कंपेयर करोगे तो यहां देखना दोनों सेम है, तो ये वाला हिस्सा बराबर ये वाला हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब
यू कैप टी कैप साइन टी वन बराबर क्या हो जाएगा, टी कैप यू कैप साइन टी वन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, टी के यू के माइनस इसका मतलब आप, ये तो वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन कभी जीरो हो नहीं सकता वरना सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम ये बात जानते हैं कि जीरो नहीं, तो कौन जीरो होगा फिर, तो जीरो कौन होगा जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में जीरो होती है ना, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जो जीरो होता है, तभी जाके वो क्वांटिटी जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो बन गया कम्यूटेशन ब्रैकेट, दैट इज द कम्यूटेशन ब्रैकेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको आप दे दीजिए 7, इसको आप दो 8। तो ये इक्वेशन फॉलो हो गई। अब आगे देखो, सो वी नो द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है। निकाला भी था इसका वैल्यू क्या होता है, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का वैल्यू। ये होता है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच कैप अपॉन एच कट, और अगर अप्रोक्सीमेटली मान लो टाइम जो है बहुत अपन कम ले लें, तो स्मॉल टाइम के लिए ऑब्वियस सी बात है एक्सपोनेंशियल एक्स बराबर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू छोटी होती है। तो ऐसे इसको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू कितनी जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 9। अब मैं इस 9 का वैल्यू उठाऊंगा यहाँ से और कहाँ रख दूंगा, 7 में, या फिर आप एक काम करो फ्रॉम इक्वेशन 7 देखना एक बार, ये रही अभी 7 में टी कैप यू के बराबर समथिंग कुछ है, टी कैप यू के बराबर यू कैप टी कैप मतलब जो भी है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो फ्रॉम 7 टी कैप यू कैप साइन टी वन बराबर तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये। तो यहाँ पर आप देखना ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टी कैप आयोटा क्या हो जाएगा, टी कैप साइन टी वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो टी कैप माइनस आयोटा अपॉन एच कट टी कैप एच कैप डेल्टा टी
यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ वन का मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस आयोटा अपॉन एच कट एच कैप टी कैप डेल्टा टी। ऑपरेटर को आगे पीछे मत करो, बाकी ये चीज़ आगे पीछे हो सकती है ना। तो टी कैप से टी कैप कैंसिल हो गया, साइन टी वन मल्टीप्लाई में है वो तो होने दो, साइन टी वन यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा है ना। तो साइन टी वन तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, आगे कितना बचा, माइनस आयोटा अपॉन एच कट अब ऑपरेटर को हम डायरेक्टली जीरो नहीं कर सकते ना बेटा, तो ऑपरेटर को तो कुछ मत करो, आप इनको कैंसिल आउट कर दो, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और बाकी चीज़ों को आप आगे पीछे ले लो। जैसे मान लो टी कैप एच कैप माइनस एच कैप टी कैप, इसको एक साथ ले लो और वही थ्योरी काम में ले लो कि साइन टी वन जो है वो जीरो नहीं हो सकता। नेबर भी जीरो, तो कौन जीरो होगा फिर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए इक्वेशन नंबर 10। तो इक्वेशन नंबर 10 जरूरी है या फिर इक्वेशन नंबर 8, तो दो कंडीशन होती है, टी कैप यू कैप बराबर जीरो कम्यूटेशन में, या फिर टी कैप एच कैप बराबर जीरो कम्यूटेशन में, तो दोनों का ही कम्यूटेशन जीरो होना चाहिए। सो इक्वेशन 8 एंड 10 shows the properties of symmetric operator. Shows the properties of symmetric operators. ठीक है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब सिमेट्रिक ऑपरेटर जो होता है ना उसका यूनिटरी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यूनिटरी मतलब टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, टाइम इवोल्यूशन बोल दो यूनिटरी बोल दो एक ही बात है, क्योंकि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है ना उसे हमने प्रूफ कर दिया था बहुत पहले पिछली क्लासों में कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो यूनिटरी ऑपरेटर होता है। तो आप यूनिटरी ऑपरेटर बोल दो, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर बोल दो, या फिर हैमिल्टोनियन बोल दो, तो इनके साथ सिमेट्रिक ऑपरेटर का कम्यूटेशन जीरो आता है। तो ये प्रॉपर्टी है। सो इक्वेशन 10 शो दैट सिमेट्रिक ऑपरेटर टी कैप is commute with Hamiltonian, this is fundamental condition this is fundamental condition
फॉर एन ऑपरेटर, फॉर एन ऑपरेटर फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक कंडीशन टू बी सिमेट्रिक। मतलब किसी भी ऑपरेटर के सिमेट्रिक होने की ये फंडामेंटल कंडीशन है, टू बी सिमेट्रिक ऑपरेटर। सही बात है ना, दैट इज शो द सिमेट्रिक ऑपरेशन। वो कंडीशन जो होती है ना ये सिमेट्रिक ऑपरेशन को शो करती है, दैट इज आप चाहो तो लिख सकते हो दैट इज दिस कंडीशन शोज द सिमेट्रिक ऑपरेशंस, दैट इज शोज द मतलब सिमेट्रिक ऑपरेटर के लिए सिमेट्रिक ऑपरेशन कंप्लीट करने की ये कंडीशन होनी चाहिए, मस्ट है कि उसका हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूटेशन हमेशा जीरो आए, ये जरूरी है कंडीशन। इसी के ऊपर बेस्ड है एक और अगला जो डेरिवेशन है, दैट इज कंपेटिबल ऑब्जर्वेबल। क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल एंड कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन कौन सी क्वांटिटी को कहा जाता है जो पूरी मोशन में कॉन्स्टेंट रहे। ये चीज़ नेट में भी आती है और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आती है कि ऐसा ऑपरेटर बताओ जो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो। तो वो सिंपल है, हैमिल्टोनियन के साथ जिसका कम्यूटेशन जीरो हो। मतलब सिमेट्रिक ऑपरेटर जो होता है ना वही कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होता है। मतलब हैमिल्टोनियन के साथ जो भी कम्यूटेशन जीरो देगा वो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो करते हैं एक बार, कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल क्या होता है। कॉम्पेटिबल ऑब्जर्वेबल बहुत सिंपल होता है, सो लेट ऑपरेटर पी कैप एंड क्यू कैप आर टू ऑपरेटर्स। Corresponding to observable, corresponding to observables, suppose मान लो साई पी एंड इनके ऑब्जर्वेबल मान लो ये है, मतलब स्टेट आइगन स्टेट ऑब्जर्वेबल ही कहलाती है। सो द आइगन स्टेट, अब इनकी कंबाइंड आइगन स्टेट निकालनी मुझे, सो अब इनकी कंबाइंड आइगन स्टेट निकालनी है, सो आइगन स्टेट इन कंबाइंड सिस्टम इन कंबाइंड सिस्टम इज इन टर्म ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जर्वेबल इज कैसे लिखेंगे। सपोज इनकी कंबाइंड आपको निकालनी है, सपोज साइन पी क्यू बराबर क्या हो जाएगी, साइन पी की मल्टीप्लाई विद द साइन क्यू की। ठीक है, इस पर अगर मैं पी ऑपरेट कराऊंगा सो ऑपरेट पी कैप
ऑपरेटर करो ऑपरेट। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि पी के ऑपरेट करवाने पर इसकी जो आइगेन वैल्यू है वो स्मॉल पी आती है। ओके, पी के को कैपिटल लिखो आप, ऑपरेटर को कैपिटल में लिखो, है ना। आइगेन वैल्यू भले स्मॉल में लिख दो, बट ऑपरेटर को कैपिटल में लिखो, है ना। और इसका जो ये पी है यहाँ लिख दो, ये आइगेन वैल्यू है, ठीक है। इसी प्रकार क्यू की मान लेते हैं, सिमिलरली क्यू का ले रहे हैं हम लोग, सॉपरेट क्यू कैप, और उसके आइगेन वैल्यू भी स्मॉल क्यू मान लेते हैं, क्यू कैप क्यू मान लो, क्यू और ये पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, इक्वेशन तीन। नाउ अब उल्टा उल्टा कर दो, इक्वेशन नंबर दो में क्यू करा दो ऑपरेट। सो ऑपरेट क्यू कैप ऑन इक्वेशन टू, तो करके देखो एक बार। तो यहाँ पे क्यू कराया मैंने ऑपरेट, देखो आई ये तो आइगेन वैल्यू है, तो आप बाहर निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्यू करा दो ऑपरेट, तो अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, इक्वेशन नंबर थ्री से। इसकी वैल्यू क्या ही है, फ्रॉम इक्वेशन फोर, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थ्री। फाइव, ठीक है। ऐसे अगर मैं करूँ, मान लो इक्वेशन नंबर थ्री में मैं पी को ऑपरेट करा दूँ, सिमिलरली ऑपरेट पी कैप ऑन इक्वेशन थ्री, तो क्या हो जाएगा, पी कैप को करा दो ऑपरेट, पी क्यू को बाहर निकाल लो, पी कैप को ऑपरेट करा दो। और इक्वेशन नंबर आप टू से देखना, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या देखोगे कि पी कैप को जब साई पर कराते हैं तो आइगेन वैल्यू मान लो स्मॉल पी है, तो पी कैप क्यू कैप पी बराबर क्यू पी। अभी तो आइगेन तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आगे भी जो सकती है। कंपेयर करो पाँच और छः को, तो ये और ये दोनों सेम है ना, तो कंपेयर फाइव एंड सिक्स। तो पी कैप क्यू कैप बराबर क्या हो जाएगा, क्यू कैप पी कैप, या जो भी है क्यू पी या पी क्यू की बात है। तो वही सेम काम करोगे आप लोग जैसे अपन ने ऊपर किया था, और उस सेम काम के साथ आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि क्यू और पी का कंपटीशन क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आ गया, इससे हमें ये सिद्ध करने को मिल रहा है कि क्यू और पी का जो है ना कंपटीशन जीरो है। इसका एक फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको क्या हुआ। हम लोगों ने ऊपर एक चीज मानी थी कि कैपिटल पी और कैपिटल क्यू जो है ना, इनकी भले ही आइगेन वैल्यू अलग अलग है, देखो आप इसकी आइगेन वैल्यू स्मॉल पी है, इसकी आइगेन वैल्यू क्यू है, बट ये दोनों ऑपरेटर को हमने सेम आइगेन स्टेट पर ऑपरेट करवाया था। सेम मतलब कि एक जैसी मतलब समान, ठीक है ना, एक ही आइगेन स्टेट, एक ही आइगेन जो भी आपका है, और इनको एक ही आइगेन स्टेट पर ऑपरेट करा के हमने क्या प्रूव कर दिया कि पी और क्यू जो है वो कम्यूट करते हैं।
इंग्लिश में इसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक ही टाइम पर, एक साथ आपने एक ही आइगेन वैल्यू पर आइगेन स्टेट प्रॉपर कर दिया। तो मतलब कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो उनकी आइगेन स्टेट साइमल्टेनियस होती है, मतलब समान होती है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये आपको काम आएगा हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में हम जब यूज़ करेंगे ना तो हम ये सिद्ध करेंगे कि एल स्क्वायर और एल जेड का है ना आइगेन, ये दोनों कम्यूटेशन जीरो होता है, मतलब ये कम्यूट करते हैं तो इन दोनों का आइगन स्टेट समान होता है, मतलब साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस मतलब कि इसकी भी आइगन स्टेट जो होती है ना वो वाई एल एम थीटा फाई होती है और इसकी भी आइगन स्टेट वाई एल एम थीटा फाई होती है, वहाँ काम आएगा आपको। यहाँ आपने प्रूफ कर दिया कि अगर दो ऑपरेटर सेम आइगन स्टेट रखते हैं तो वो कम्यूट करते हैं, या फिर उल्टा भी सत्य है कि अगर वो कम्यूट करते हैं तो वो सेम आइगन स्टेट रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लो ये लाइन, इट इज़ क्लियर दैट, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इट इज, एक मिनट होल्ड करना, देखो, सो इट इज क्लियर दैट पी केप एंड क्यू केप ऑपरेटर आर कम्यूट टू ईच अदर का मतलब, एंड द ऑब्जर्वेबल विच सेटिस्फाई अबाउ इक्वेशन 6 या फिर 7, ऊपर तो 7 है ना आपका, सेटिस्फाई क्या बोलते हैं उनको, कॉल्ड कॉम्पिटेबल ऑब्जर्वेबल, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेबल ऑब्जर्वेबल कहते हैं, और इसी संबंधित है कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आपको याद भी रखनी है, सीधे सारा नेट भी सवाल आता है कि कौन सा ऑपरेटर कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो कुछ मत करना। अगर आपको कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन चेक करना होता है तो केवल उसका हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूटेशन देख लो, जिसका भी कम्यूटेशन हैमिल्टोनियन से जीरो आ रहा है ना वो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन कहलाता है। तो ऐसे हम चेक करेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन क्या होता है। सो एनी फिजिकल ऑपरेटर दैट कम्यूट विद हैमिल्टोनियन, दैट कम्यूट विद हैमिल्टोनियन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है, दैट इज देयर वैल्यूज विल बी कॉन्स्टेंट अंडर होल मोशन, दैट इज देयर वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट अंडर होल मोशन, पूरी मोशन में वो कॉन्स्टेंट होती है वैल्यू ना। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, मान लो ए के कोई ऑपरेटर है उसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से कम्यूटेशन जीरो आ रहा है, तो उस ए के को हम क्या बोल देंगे बेटा,
कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये बात थी। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे कि जनरल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि स्पेस में क्या होता है, टाइम में क्या होता है और रोटेशन में क्या होता है, तीन होते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा यही हम क्लासिकल में पढ़ते हैं। आप लोग जब क्लासिकल की क्लास लेते होंगे ना, तो क्लासिकल भी आपने पढ़ा होगा आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, होमोजिनिटी ऑफ स्पेस, होमोजिनिटी ऑफ टाइम, ये तीन चीज़ें पढ़ी है ना आप लोगों ने वहाँ पे, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हम क्वांटमली प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोजिनिटी ऑफ स्पेस, उसे हम बोलेंगे स्पेस ट्रांजिशन, जिसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोजिनिटी ऑफ टाइम, इसमें हम लोग टाइम को कंजर्व करवाएंगे, मतलब एनर्जी कंजर्व करवाएंगे। और फिर एक पढ़ा होगा आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, इसमें हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा देंगे। तो ये तीन कंजर्वेशन लो होते हैं और ये तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कल बात करेंगे, ठीक है।